ये सारी मार्केट के नीचे वो एक वाटर टैंक है जो पूरी मसूरी का मेन वाटर सप्लाई है, वो यहीं से ही जाती है। और अर्लियर यहाँ पे एक मतलब गन लगाई गई हुई थी, तो आफ्टरनून में इस तरह की आपको ट्रॉली जाती हुई मिलेगी। देखो ना बिल्कुल वो ऊपर वाली साइड भी आप देख सकते हो बस कितनी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ पे आप ट्रॉली के साथ पहुँच सकते हो। टेम्पल में अभी बुद्धा टेम्पल, अपने दिन की शुरुआत हो चुकी है ये पूरे रश के साथ। ये अभी मैं लाइब्रेरी चौक में, और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ गन हाउस की तरफ, और देखो कितना रश हो गया है यहाँ पे। गन हाउस नहीं सॉरी, गन हिल्स की तरफ, और गन हिल्स के लिए अपने को सामने से एंट्री करवानी पड़ेगी, और वहाँ पे एंट्री है अबाउट आई थिंक 150 की। लाइब्रेरी चौक पे आप कभी भी आ जाओ, यहाँ पे पूरा रश रहता है। मुझे 2-3 दिन हो गए, और जब भी यहाँ से क्रॉस करना होता है तो पूरे का पूरा टाइम यहीं पे लग जाता है। आप देख ही सकते हो कितना रश है यहाँ। अरे भाई कर ले थोड़ा आगे पीछे, पूरे जाम लगा हुआ है। सही भी नहीं हो सकता किसी तरीके से, ये रश ऐसे ही रहेगा। वीकेंड पे तो और भी ज़्यादा होगा यहाँ। अपने को जाना तो लेफ्ट ही है, सोचता ही नहीं। रही हो जा साइड में, पैसे लेते हैं सामने खड़े हैं। वो सामने आप जो देख रहे हो वो मॉल रोड ही है। चल भाई एक्टिवा वाले, एक्टिवा स्कूटरी एसएस। अभी मेरे को रुपये जाने तो नहीं देगा। पे भी जाके आएंगे, और एक गन हिल्स वहाँ पे भी अभी हम जाके आ रहा हूँ। सुबह सुबह भी रश हो रखा है भाई माल रोड पे तो पूरा। भाई चल आ गए, इसमें तो बैठे नहीं है। आगे कर भाई, माल रोड से थोड़ा आगे आके आपको ये ट्रॉली मिल जाएगी, और गन हिल्स पे जाने के लिए इसकी जो टिकट है अबाउट नहीं 220 रुपये टिकट है पर हेड पे, और ये आपको बिल्कुल ऊपर पहुंचा देगी। अगर आप ट्रैक करके जाना चाहते हो तो इससे थोड़ा पहले वहाँ पे बोर्ड भी लिखा हुआ है गन हिल्स का, तो आप ट्रैक करके भी ऊपर जा सकते हो। वो ज़्यादा दूर भी नहीं है, 500 किलोमीटर ट्रैक करना होगा, तो मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ट्रैक। अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते तो इस तरह की आपको ट्रॉली जाती हुई मिलेगी। देखो ना बिल्कुल वो ऊपर वाली साइड भी आप देख सकते हो बस कितनी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ पे आप ट्रॉली के साथ पहुँच सकते हो। हाँ जी, मैं अभी खड़ा हूँ गन हिल पॉइंट्स पे। आप देख सकते हो ये सारी मार्केट यहाँ पे बनी हुई है, और जो ये सारी मार्केट के नीचे है वो एक वाटर टैंक है जो पूरी मसूरी का मेन वाटर सप्लाई है, वो यहीं से ही जाती है। और अर्लियर यहाँ पे एक मतलब गन लगाई गई हुई थी, तो आफ्टरनून में वहाँ पे डेली शूट किया जाता था वो टाइम बताने के लिए। उसी के आधार पर इसका नाम जो रखा गया है वो गन हिल्स रखा गया है। और इसके बिल्कुल पीछे है लाल टीपा जो मसूरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ गन हिल्स है, ये है सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है मसूरी का। बाकी सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे घूम के मार्केट भी दिखा देता हूँ, जो एक्टिविटीज़ करवाने वाली है वो भी दिखा देता हूँ, और यहाँ से एक अपना हिल्स
पीक्स वगैरह हैं जो माउंटेन अच्छी तरह से दिखते हैं, हिमालय दिखता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बाकी आप बने रहो वीडियो के साथ, बाय बाय। मार्केट में इस तरह की आपको शॉप्स मिलेंगी फ़ोटो वगैरह करवाने के लिए, है ना, ये ड्रेस पहन के आप यहाँ पे फोटोज़ वगैरह करवा सकते हो। और ये है स्मार्ट टॉयलेट, डोंट नो स्मार्ट में क्या होगा इसमें। और अभी देखते हैं आप यहाँ से व्यू कैसा आने वाला है, कुछ इस तरह का आपको यहाँ से व्यू दिखेगा, वो सामने आपको हिमालय दिखेगा इस साइड में। यहाँ से आप सामने का व्यू देख सकते हो, वो जो सामने है वो है लाल टिब्बा, जो मसूरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ पे आप जा भी सकते हो और बहुत ही एक पीस। ये देखिए टेलीस्कोप के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई देखना चाहे तो। वो जो है ये सामने जो दिखा रहा हूँ ये है लाल टिब्बा, और सामने वो देख रहे हो वो है हिमालय, देख पा रहे हो आप वीडियो। और ये बिल्कुल टॉप से व्यू है यहाँ का, सारे शहर का व्यू आप देख सकते हो यहाँ से। अगर आप ट्रॉली यूज़ करना चाहो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आप ट्रॉली भी यूज़ कर सकते हो, उसके चार्जेस ज़्यादा नहीं है, पर हेड 220 रुपीज़ हैं ओनली, उसके द्वारा भी आप आ सकते हो। बाकी यहाँ से सारा मसूरी आप देख सकते हो ना, बिल्कुल मतलब सेकंड हाईएस्ट पॉइंट पे आप खड़े हैं अभी। इधर ऊपर आके आपको काफ़ी एक्टिविटी करने को मिलेगी, लाइक गन वगैरह से जो बलूस वगैरह फोड़ते होते हैं वो मिल जाएगी, गेम्स होंगी, वो थोड़ा सिनेमा टाइप 90 सिनेमा टाइप ऐसा कुछ बना हुआ है, वो एक्टिविटी आप कर सकते हो। यहाँ पे ये जादू भी दिखाते हैं, एक मिनट में सिखा भी देते हैं, और कैंडी स्टोर भी है यहाँ पे, है ना। और ये बना हुआ है कुछ 3D मिरर मेज, सेल्फी पॉइंट ये भी है इधर, और कुछ शॉप्स अभी बंद है क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी आ गया था। सो कभी भी आप इधर अपना मसूरी में आते हो तो इसको मिस मत करें, गन हिल्स को ज़रूर विज़िट करके जाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, ट्रैक भी कर सकते हो और आप ट्रॉली के साथ भी आ सकते हो यहाँ। यहाँ ऊपर वाली साइड अपने को शनिदेव मंदिर मिलेगा, यहाँ भी आप विज़िट कर सकते हो शनिदेव महाराज। और वो सामने गन बनाई हुई है, ये भी आप देख सकते हो ना, इस टाइप की गन होती थी जब वो शूट करके अपना मतलब टाइम बताते थे यहाँ पे, है ना, और आफ्टरनून में होता था, शूट करके टाइम बताया जाता था, उस टाइम से इसका नाम है जो गन पॉइंट रखा हुआ है। हाँ जी, मैं अभी पहुँच चुका हूँ बुद्धा टेम्पल, और दिस वे आई थिंक इस साइड से मुझे जाना होगा, हाँ इस साइड से, ये देख सकते हो आप। ये हम टेंपल में हैं अभी, बुद्धा टेंपल, ये हो गए बिल्कुल मेन एड्रेस पे, ये देखिए टेंपल, बौद्ध धर्म के कल्चर के अकॉर्डिंग ये सब फ्लैग और सब आप देख सकते हो, कोई भी धर्म हमारा नमस्कार करने का फर्ज बनता है। ये देखो ना, ऐसा कुछ व्यू होने वाला है बुद्धा टेंपल से, नीचे का व्यू देखिए आप। क्योंकि कहीं भी आप बौद्ध धर्म में जाओगे तो इस टाइप के अपने को फ्लैग मिलेंगे, कहीं भी हम जाएंगे तो।
जी अभी मैं जा रहा हूँ लंडौर की तरफ। लंडौर अभी तक जितना का मुझे अभी पता चला है एक बेसिकली गांव ही है, तो बाकी जो उसकी डीपली जानकारी है ना, तो वो मैं आपको वहाँ पे जाके वहाँ से थोड़ा कंफर्म करके जो लोकल वहाँ पे रहने वाले हैं तो फिर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से मैं बता पाऊँगा। और जो रोड व्यू होगा वो इस तरह का होगा, पूरी मार्केट में से अपने को गुजरते हुए जाना होगा, तो रश काफ़ी ज़्यादा है। देखो सारी मार्केट के बीच बीच में से जा रहे हैं हम, बिल्कुल सारा माल रोड क्रॉस करके उसके बाद पूरी मतलब मार्केट ही चल रही है। अबाउट में 10-15 मिनट हो गए हैं, अभी तक कोई खाली रोड ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी पुराने मतलब घर और सब कुछ आप अपने को देखने को मिलेगा इस रोड पे। थोड़ी मतलब कमर्शियल टाइप की बिल्डिंग्स हैं इस साइड में। ये देखो इस तरह का रोड है, एक टाइम पे एक ही गाड़ी जाती है इधर, ज़्यादा गाड़ी भी नहीं जा पाती। भाई तोड़ ले इसको भाई, ऐसे मत कर, रेस दे इसकी, ऐसे पीछे आ जाएगी बाद में रुक जाएगी भाई, मार कर रहे हो यार। देखिए पॉइंट आ गया बट नहीं है भाई यहाँ पे नहीं, ये क्या हुआ था भाई, गाड़ी वो कर गई थी, स्लिप कर गई थी नीचे एकदम से, टायर घूम गए थे, वैसे तो घूमते हैं वो ज़्यादा घूम गए थे। क्या बात है, काफ़ी अच्छा फील है भाई ऊपर जाने में। इधर लंडौर वाली साइड ये कोई चर्च का निशान लगा हुआ है यहाँ पे, क्रिश्चियन भाई रहते होंगे यहाँ पे। ये सामने आ गया टोमास कैफे लाल टिब्बा, सभी को नीचे से ही आ रही थी, कोई रास्ते में मिली नहीं है। अब यहाँ से नीचे से गाड़ियाँ बंद कर देंगे और फिर इनको जाने देंगे, यही है। मैंने सही सोचा था, मैंने नीचे भी यही चीज़ सोची थी, वन टाइम पे वन सिंगल रोड है, और अभी ऊपर वाली गाड़ियाँ नीचे को छोड़ देंगे। कैमरा एक बार बंद है डोर, और हमने अपनी वैन को पीछे पार कर दिया। तो कहीं भी जाते हैं यहाँ पे मसूरी में, सबसे पहले तो अपने को पार्किंग के पे करने पड़ते हैं, और इन्होंने यहाँ पे लिए हैं 150 उसके पे कर पार्किंग के। और ये मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस आ गई है सामने। तो यहाँ पे सबसे फेमस है एक, यहाँ पे चार दुकान के नाम से है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये बहुत पुरानी शॉप्स हैं, 1910 की ये शॉप्स बनी हुई हैं, ये जैसे आप देख सकते हो सारी, ये जो दुकान है 1910 की बनी हुई है, सबसे पुरानी शॉप्स हैं ये। और आप भी यहाँ से कुछ ना कुछ खाएंगे, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये कैफ़े एंड ऑल ये भी बने हुए हैं, ये भी आप देख सकते हो। ये कुछ बैठने के लिए एक छोटा सा पार्क टाइप है, और उधर है एक चर्च बनी हुई है, इसके लिए काफ़ी फेमस है ये टिप टॉप टी शॉप। और ये सामने आप देख सकते हो 1910 की ये बनी हुई है। सबसे पहले हम जा रहे हैं चर्च में, जो कि 150 साल पुराना चर्च है, और ये सामने वो चर्च है। तो मैं ट्राई करूँगा जितना का आपको दिखा सकूँ चर्च। ये देखिए आप, बाहर से दिखा रहा हूँ, अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, सो मैं आपको बाहर से ही ये दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो ना, 150 साल पुराना चर्च।